दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए सबसे आसान तरीके में टाटा हाइवा 2823 के चलाना सिखाऊंगा और आप लोग इस वीडियो को देखना, आप डंपर चलाना आसान तरीके में सीख जाएंगे। चलिए अब वीडियो को आगे शुरू करते हैं और केबिन के अंदर चलते हैं और आप लोग देख सकते हैं 2823 के ये BS6 डंपर है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और वैसे देखिए हाइवा इसमें लिखा हुआ है, टाटा हाइवा, ठीक है। अगर इसका नाम मॉडल के नाम से अगर जिस चीज़ से हम जाने जाते हैं तो देखिए 2823 के पहले 2518 आते थे, लेकिन अब ये इसका जो साइज़ है, कैपेसिटी है, वो भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब हम अंदर चलते हैं और आप लोगों के लिए जो भी इसके फंक्शन है, फ्यूचर है, मैन उनकी जानकारी देते हैं ताकि आप लोग टाटा का डंपर चलाना सीख जाएँ। और मैं आप लोगों के लिए आसान तरीके में बताऊँगा, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको ये हैंडल पकड़ के इसकी मदद से आपको चढ़ जाना है ऊपर। देखिए अब हम आ गए हैं ऊपर, यहाँ पर स्प्रिंग वाली देखिए सीट मिलती है, इसमें सो करें आप लोग आराम से बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको देखिए यहाँ ये दरवाज़ा इधर से पकड़ के या फिर इस साइड से पकड़ के ऐसे बंद कर लेना है। देखिए अब हमारा गेट है, दरवाज़ा है, जो विंडो है वो बंद हो गया है बिल्कुल। और ये देखिए इसमें 10 गियर हैं, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये बैक गियर हो गया R और ये लो गियर हो गया। लो गियर में सामने की साइड चलेगी अपनी गाड़ी है जो, ठीक है। आप सोच रहे होगे भाई लो गियर कौन सी साइड काम करेगा, बैक तो इसमें लो ही है। जैसे हमने इस साइड देखी, सबसे इधर की साइड करते हैं तो बैक गियर लग जाता है, ठीक है, बैक गियर लग गया। फिर उसके बाद में इस इधर एक पहला नंबर लग गया, बैक गियर इस साइड हो गया कोने में, ठीक है। गियर को समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। फिर ये नोटल करने के बाद में नोटल हो गया, फिर इधर दूसरा गियर हो गया, दूसरे के बाद में फिर छोड़ दो गियर, बीच सेंटर में आ गया, फिर तीसरा हो गया। तीसरे के बाद में वो तो आपको चलाते वक्त देखिए क्लिच दाबनी पड़ेगी, देखिए फिलहाल क्लिच नहीं दब पा रही है क्योंकि हाईवा बंद है, गियर वैसे ही देखिए चेंज हो रहे हैं, ठीक है, प्रेशर डाउन है इस वजह से। देखिए यहाँ से चार नंबर हो गया, चार नंबर लग गया। फिर अगर आप पाँच में गियर लगाना चाहते हैं, जैसे हल्की सी हत्ती मारो इधर, हल्की हत्ती मारने के बाद में ये पाँचवा गियर हो गया, इस साइड छठा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में बीच में नोटल हो गया, इस साइड सातवा हो गया और इस साइड आठवा गियर हो गया इधर की साइड, ठीक है। अब देखिए अब ये पाँचवा गियर तक है फिलहाल, अगर हम लो गियर में ले जाएंगे फिर दोबारा हाथी मारनी पड़ेगी इस साइड। अब ये लो गियर में हो गया, अब इसमें आप तीसरा लगा सकते हो, चौथा लगा सकते हो, पहला लगा सकते हो, दूसरा लगा सकते हो, बैक गियर लगा सकते हो या फिर लो गियर लगा सकते हो। देखिए लो गियर, अब ये लो गियर में है, इसमें आप लो गियर लगा सकते हो ऐसे इस पोजीशन में। देखिए अब ये लो गियर में लग गया, लो गियर में फंस जाती है गाड़ी, कई बार चढ़ाई वगैरह पे आप सीधा ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये मैं नोटल करता हूँ पहले, आप लोग गियर लगाना सीख गए। आप लोग देखिए स्टेयरिंग तो आप तो देखिए सभी गाड़ियों में पावर स्टेयरिंग है और क्लिच है, वो भी देखिए प्रेशर वाली क्लिच है, हर पहले सादा क्लिच थी लेकिन अब परेशर। अब देखिए दम नहीं पा रही है, स्टार्ट होएगी गाड़ी तब दबेगी, देखिए। और ये एक्सलेटर हो गई और यहाँ पर ब्रेक हो गई। तो सबसे पहले तो देखिए आपको मैं चाबी ऑन करके दिखाता हूँ, देखिए ये चाबी ऑन हो गई है और स्टीयरिंग काटना पड़ेगा क्योंकि स्टार्ट करनी पड़ेगी गाड़ी, चाबी से ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है और चाबी से ही गाड़ी बंद होती है। देखिए ये हो गई है अपनी गाड़ी स्टार्ट, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। पहले मैं आप लोगों के लिए समझाता हूँ, स्टीयरिंग काटना पड़ता है तो इस वजह से। देखिए ये गाड़ी हो गई स्टार्ट और अब मैं बंद करता हूँ फिलहाल गाड़ी को। फिलहाल देखिए मैंने कर दी गाड़ी अब बंद हो गई, तो हमको चाबी ऑन रखनी है। आप लोगों के लिए कुछ इसमें से भी बताना है जो स्क्रीन है। देखिए स्क्रीन में तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर कोई मिस्टेक वगैरह आती है, कोई दिक्कत आती है तो देखिए जो ये वार्निंग वाली बत्ती है, जो ये अलार्म बज रहा है, ये बजने लगता है। फिलहाल इसमें DEFSCR ये आ रहा है वायरस, ठीक है, सपोर्ट DF, देखिए फॉल्ट, ये फॉल्ट आ रहा है, एक वायरस टाइप में मान लो। ये वायरस क्यों आता है, जैसे हम गाड़ी को बार बार स्टार्ट कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और जो इसका ऑटोमेटिक सेंसर है कट लगाने वाला, उससे अगर हम उससे पहले बंद कर देते हैं तो ये फॉल्ट आ जाता है। इससे आप लोग दिक्कत, कोई परेशानी, घबराना मत, कैसी भी अगर ये आपके सामने आए।
सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आरपीएम मीटर मिल जाता है और ये टेम्परेचर मीटर मिल जाता है। यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह होती है, कोई फॉल्ट होता है गाड़ी में, वो शो करता है। फिलहाल इसमें ये फॉल्ट जो मैंने बताया है। और यहाँ पर आप किलोमीटर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये हो गई हमारी प्रेशर वाली, वो दो पॉइंट है, एक दो, इधर दो हैं और इधर दोनों में चार चार पॉइंट है। तो आप लोग एक दो तीन चार पाँच, पाँच पॉइंट है एक में, सॉरी एक दो तीन चार पाँच पॉइंट है, एक पॉइंट इसमें कम है। स्टार्ट होने के बाद में ये भी आ जाएगा। तो ये प्रेशर अगर स्टार्ट करते समय इनको ध्यान रखें, फुल रहना चाहिए, ठीक है, तब हमारी गाड़ी वर्किंग करेगी। और हमने करना चाहिए ऐसे, अगर प्रेशर पूरा है तो हमारी गाड़ी फिर क्लिच ब्रेक सही काम करेगा, अगर प्रेशर डाउन है तो हमारा क्लिच काम ही नहीं करेगा। तो इस वजह से पूरा प्रेशर बना के ही गाड़ी को चलाएं। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगर किलोमीटर शो हो रहा है, जैसे आप दिन की एवरेज देख सकते हैं कितने किलोमीटर चल सकती है हमारी गाड़ी। यहाँ पर ये यूरिया, इसमें यूरिया डलता है, ये यूरिया के पॉइंट है, इसमें अब दो पॉइंट यूरिया है, तो ये आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद में इस साइड स्पीड मीटर मिलता है, देखिए यहाँ से इधर तक, इसमें 140 की स्पीड है, लेकिन जो इसकी स्पीड लिमिट है वो 60 है, 60 से ऊपर ये गाड़ी नहीं भागती। इसमें कोई सेंसर सिस्टम लगाया गया है और ये डीजल मीटर है, डीजल मीटर काम कर रहा सही से, देखिए आधी डीजल है इसमें, आधी टंकी। और यहाँ पर टाइम देख सकते हैं आप लोग, 4:09 हो गए हैं, और इधर बैटरी वो देख सकते हैं, तो इसमें बैटरी शो होती है, आपकी बैटरी कितने परसेंटेज दिखा रहा है, ये है ना 25% या फिर और ज़्यादा। तो इसमें देखिए, इससे तो हॉर्न बजा सकते हैं, देखिए मेरे पास दम गया, चलिए अब मैं इसको बंद करता हूँ। इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसमें समझने के लिए इसमें बहुत सारी बटन है, लेकिन आप जब गाड़ी को चलाओगे तो आप समझ जाओगे। ये एक एमरजेंसी वो है, सॉरी देखिए इसको आप समझ जाओगे, अगर हम इसको दबाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे चारों इंडिकेटर जल जाते हैं। देखिए जैसे मैंने ये दबा दिया, देखिए इसको समझा, देखिए इसमें भी बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन इसको आप लोग गाड़ी चलाते समय भी समझ जाओगे। इसमें देखिए इसको दबाते हैं तो हम रेड वाली बटन को, देखिए चारों इंडिकेटर जल जाते हैं दोनों साइड के, देखिए आगे पीछे जो भी हैं वो जल जाते हैं, देखिए बराबर बराबर काम करते हैं। इसको बंद करते हैं चलो। और फिर इसमें देखिए ये मोड है, अगर आप गाड़ी को चढ़ाई में चढ़ा रहे हैं तो इस मोड पर करें, और हाई हैवी लोड है जैसे चढ़ाई चढ़ा रहे हैं, मीडियम है तो इस पर रहने दें, अगर लाइट वेट है नॉर्मल है तो भाई इस पर रहने दें। तो ये तीन चार इसमें मोड हैं, और ये इंजन के लिए दे रखे, इससे तो इनको रहने दें। फिर उसके बाद में इनको रहने दें, ये हेल्प है या एमरजेंसी है, अगर आपको कोई एमरजेंसी है तो इसको दबा सकते हैं, फिर आपके जो मालिक हैं उसके पास कॉल वगैरह पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा, आपको दिक्कत परेशानी है तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, ये इस चीज़ की है। और यहाँ पर आप यूएसबी लगाकर अपना फ़ोन चार्जिंग कर सकते हैं, बढ़िया स्पीड है इसकी। और इसमें आप लोग स्टार्ट रहते थे हमारी गाड़ी, ये खाली फैन है, एसी वाले नहीं है, एसी नहीं है इसमें, आप लोग इसे चला सकते हैं। गर्मी में गर्म हवा देते, लेकिन सर्दी में नॉर्मल हवा आएगी, ठंडी भी ना गर्म भी ना, ठीक ठाक आएगी वैसे। और यहाँ से आप लोग लाइट बढ़ा सकते हैं, देखिए इससे मीटर के, देखिए लाइट ऑन हो गई, पार्किंग और लाइट ऑन हो गई, जो मेन लाइट है, ठीक, इससे पार्किंग और इससे बिल्कुल ऑफ हो गई। देखिए इस साइड आप समझ गए, इस साइड ऑफ है, फिर इधर पार्किंग लाइट जल जाती है, जैसे गाड़ी की मीटर वगैरह और छोटी जैसे लाइटों में बत्ती रहती है वो पार्किंग लाइट जल जाती है, इस पर फुल जल जाती है। इस साइड करते हैं तो हमारा जो इंडिकेटर है वो चल जाता है, देखिए इससे उस साइड का लेफ्ट साइड का इंडिकेटर जल जाता है, देखिए लेफ्ट साइड का, और इस साइड से राइट हाथ का इंडिकेटर जल जाता है, अगर हम इसको पीछे की साइड करते हैं, देखिए ये आ गई इंडिकेटर की बत्ती, ठीक है। आप लोग इसकी मदद से डिपर दे सकते हैं सामने वाले के लिए, बताइए समझ गए इसको। और इससे आप लोग वाइपर चला सकते हैं, देखिए ऐसा आप लोग वाइपर चला सकते हैं आगे करने से, देखिए तीन वो हैं इसमें तीन, अगर फुल आगे कर देंगे इसको, पूरा आगे कर देंगे तो देखिए फुल स्पीड में चलेगा, बीच में रखेंगे तो नॉर्मल चलेगा, अगर इसको बिल्कुल इस साइड कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, इसमें तीन वो है, तीसरे पे बंद हो जाएगा, अगर एक बार हाथ लगा दिया हमने तो ये एक बार काम करेगा बस, फिर उसके बाद में बंद हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देखिए चार्जिंग लगा सकते हैं, एक चार्जर जो ला के आप इसमें भी चार्ज कर सकते हैं अपना फ़ोन, इसमें
लेकिन इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये दो USB लगाओ, इसमें एक लगाओ दो लगाओ, दो फोन एक बार भी कर सकते हैं चार्जिंग, और सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। और देखिए सबसे मेन है इसमें, देखिए ये हैंड ब्रेक हो गया, फिलहाल हैंड ब्रेक मैंने लगा रखा नहीं है। इस साइड अगर ऊपर की साइड रहता है तो समझो हैंड ब्रेक लगा हुआ है, इसको मैं नीचे की साइड करता हूँ क्योंकि अब मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी और आप लोगों के लिए गाड़ी चलाना सिखाता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले मेन चीज़ ये है, इसमें देखिए जैक, जैक इसका कैसे उठता है। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं दो बटन है, इस रेड वाली को पहले आपको ऊपर करना है, रेड वाली ऊपर हो गई, अब इसको ऊपर करना है ऐसे, इस पॉइंट पर रहती है तो हमारा जैक उठेगा, ठीक है। अगर हमको जैक उठ गया जैसे बीच में रोकना है, इसको नीचे करना है और इसको इसमें करना है, तो हमारा जैक बीच में रुक जाएगा जितना हमको उठाना है। अगर पूरा उठाना है तो इसको ऊपर रहने दे, इसको भी ऊपर रहने दे, पूरा उठ जाएगा। उठने के बाद में फिर हमको जैक को ऐसे करना है, इसको लीवर को, जैक लीवर को ऐसे करना है बीच में, तो हमारा जैक ना नीचे गिरेगा और जैसे उठा है ऐसे उठा रहेगा। तो हमको फिर गाड़ी जब खाली हो जाए, हमको देखिए ये लीवर नीचे की साइड करना पड़ेगा ऐसे, फिर हमारा जैक डाउन हो जाएगा। समझ गए आप लोग जैक को कैसे उठाएं और कैसे डाउन करें। नीचे की साइड इसको करते हैं तो हमारा जैक डाउन हो जाएगा, फिर जैक डाउन होने के बाद में आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है डम्पर को। तो चलिए सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में चाबी लगती है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चाबी लग गई है, और देखिए ऐसी हवा देती है, इसमें हवा आती है, लेकिन इसको मैं बंद करूँगा फिलहाल, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है और आप लोगों को फिर डिस्टर्ब होगी सुनने में। तो सबसे पहले देखिए क्लिच दबानी है आपको, देखिए ये मैंने इस पैर से, जो लेफ्ट हाथ का पैर है उल्टे हाथ का, इससे मैं क्लिच दबा रहा हूँ। देखो हल्का प्रेशर बनाना है, अभी प्रेशर देखिए गाड़ी को बना नहीं है, जैसे प्रेशर बन जाएगा आप एक्सलेटर भी दे सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो बिना एक्सलेटर दिए भी प्रेशर को बना सकते हैं। दोस्तों अब बन गया है हमारी गाड़ी में देखिए प्रेशर, और अब हम क्लिच को दबाते हैं। सबसे पहले आपको जो उल्टा पैर है उससे क्लिच दबानी है, लेफ्ट साइड के पैर से क्लिच दबा दिया है, और क्लिच दबाने के बाद में पहला गियर लगाना है, इस साइड पहला गियर लग गया है। फिर उसके बाद में देखिए हमको एक्सलेटर दबानी थोड़ी ऐसे, इतनी एक्सलेटर दबानी आपको, देखिए ज़्यादा नहीं, देखिए इतना, ये नॉर्मल से हमको करना है, 10 के RPM पे कर दो आप, 10 के RPM पे आप गाड़ी को उठा सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्लिच छोड़ना और एक्सलेटर देना हड़ा। अब देखिए हमको क्लिच पे से मैंने पैर हटा दिया है, तो फिर आप दूसरा गियर चेंज करेंगे तो हम देखिए ऐसे क्लिच दबाओ पैर से और दूसरा गियर चेंज करो। देखिए अब दो नंबर गियर में हो गई है गाड़ी, क्लिच पे से पैर को हटाओ धीरे धीरे और एक्सलेटर दो, देखिए ऐसे। तो अगर जैसे अब हमको 5वां गियर लगाना है, गाड़ी स्पीड में है तो हल्का हाथी मारो, किट किट की आवाज़ आई और 5वां गियर लगा दो, गाड़ी चलेगी देखिए ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, अब मैं बैक गियर लगा के सिखाता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए ऐसे लगा दो गियर, ये अब देखिए हमारा लग गया है बैक गियर, रिवर्स गियर, आप लोग देख सकते हैं गाड़ी बैक जाएगी। देखिए ये देखो बैक जा रही है, देखो यहाँ पर देख सकते हैं बैक जा रही है गाड़ी, दिखाई दे रही है आपको बैक, देखिए ऐसे आप लोग बैक चला सकते हैं गाड़ी को, देखिए और ऐसे फिर ब्रेक दबा सकते हैं। अगर रोकना है क्लिच दबाओ, क्लिच दबाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले तो अगर आपकी गाड़ी स्पीड में है तो देखिए हल्का ब्रेक दबाओ, अगर गाड़ी मंदी हो गई है फिर उसके बाद में क्लिच दबाओ और ब्रेक दबाओ, फिर उसके बाद में गाड़ी रुक जाएगी आपकी, और रुकने के बाद में आप बंद करो तो बंद करना चाहते हो तो बंद भी कर सकते हो, और गाड़ी को अगर चलाना चाहते हो तो भाई क्या नाम है फिर आपको चला भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिलहाल हम करते हैं गाड़ी को यहाँ बंद, और ये बीच में गियर है, ये है सबसे पहला नोटल, ऐसे गाड़ी इस पोजीशन में अगर गियर रहता है तो नोटल रहता है, ठीक है। 4x4 गाड़ी है, 4x4 भी लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल 4x4 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जो मैं आप लोगों के लिए 4x4 लगा के बताऊं, और गाड़ी 4x4 अगर लगाते हैं तो वही गाड़ी में डबल पावर हो जाती है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन 4x4 वहाँ लगाया जाता है जहाँ ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ से स्टेयरिंग को देखिए आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी साइड, इधर उधर मैं करके दिखाता हूँ, देखिए एक हाथ में मेरे कैमरा है इस वजह से
स्टीयरिंग हो नहीं पा रहा है। चलिए कोई नहीं, इधर उधर कर सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भाई गाड़ी सीखना चाहता है तो भाई उसके लिए वीडियो को ज़रूर भेजना, इससे आप शीशा को ऊपर की साइड चढ़ा सकते हैं, नीचे भी उतार सकते हैं।